भारत दौरे पर आ रहे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने भारतीय समकक्ष और मित्र नरेंद्र मोदी को एक खास उपहार देंगे। वह प्रधानमंत्री मोदी को समुद्र के खारे पानी को पेयजल में बदलने वाली जीप भेंट करेंगे। मोदी ने पिछले साल इजराइल दौरे के वक्त इस जीप से साफ किए गए समुद्री पानी को पी कर देखा था। असम पुलिस ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से संबंधित बयानबाजी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दरअसल ममता बनर्जी ने टिप्पणी की थी कि मोदी सरकार असम से बंगालियों को बाहर निकालने की साजिश के तहत एनआरसी का अपडेशन कर रही है। वहीं असम पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि ऐसी कोई कार्यवाही उन्हें बंगालियों के हितों की लड़ाई लड़ने से नहीं रोक पाएगी। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद भी आम आदमी पार्टी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी ने पहली बार औपचारिक रूप से कुमार विश्वास पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि क्योंकि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल की सरकार गिराने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। चारा घोटाले मामले में सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह की अदालत में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान जज और लालू प्रसाद के बीच मजेदार बातचीत हुई। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद स्पेशल जज के नजदीक चले गए और उन्हें बताया कि जेल में किन्नर भी बंद है। उन लोगों से वे हालचाल समाचार लेते रहते हैं। किन्नर के नजदीक जाने पर वे शादी का प्रपोजल रख देते हैं। यह सुनकर कोर्ट रूम में हंसी के ठहाके लगने लगे। राज्यसभा में पेश 3 तलाक बिल यानी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 बृहस्पतिवार को भी न तो पारित हुआ और न ही विपक्ष की मांग पर सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। 10 साल आपसी खींचतान और 7 वर्ष कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद 2018 बिहार क्रिकेट के लिए नया सवेरा लेकर आया है। 17 साल बाद बिहार क्रिकेट आजाद हुआ है। अब यह क्रिकेटर खुली हवा में सांस ले सकेंगे। उन्हें झारखंड नहीं बल्कि अपने राज्य का प्रतिनिधित्व रणजी जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में करने को मिलेगा, जो टीम इंडिया में एंट्री का मार्ग भी प्रशस्त करेगी।